ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब जो महादेव की इच्छा। क्या नाम है तेरी लुगाई का? जसोदा। जसोदा, जसोदा यहाँ नहीं है, समझा? तो फिर कौन है? तेरी माँ। उसे मरे तो 11 साल हो गए हैं। मेरे बेटे, तुझे अपनी बूढ़ी माँ की याद जरा भी नहीं आई? ये किसकी आवाज है? ये प्रेत लोगों का मन पढ़ सकता है। मैं जब इस घर में आया था तो मैंने अपनी माँ को याद किया था। ये मेरी ही शक्ति को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। हाथ खोल मेरे, तब दिखाती हो तुझे मेरी शक्ति। 4 किले, 1 घड़ा पानी, 1 सफेद चादर, जल्दी। अरे ये क्या कर रहा है? नहीं, पागल हो गए हो क्या? पंडित जी मत करो ना। क्या कर रहे हो, पागल हो गए? समझ में नहीं आता ना तेरे को? पंडित, इन सब के साथ मैं तुझे भी जान से मार डालूंगी। इसका बच्चा यहाँ लेकर आओ। समझ में नहीं आ रहा, बस कर। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। आज बलि चढ़ेगी तेरी।
अपनों से ही शुरुआत करो जसोदा। आज देखते हैं कि जीत किसकी होती है, एक प्रेत के अहंकार की या एक मां के प्यार की। करुणा में जो शक्ति है वो क्रोध में कहां। मैं लेकिन बहुत जल्द भेंट होगी। तुम प्रिथिया कौन? मुन्ना बेटा, ले बेटा मेरा मुन्ना। तृतीया क्या है ये? तृतीया पंडित जी पड़ोस के कुंडेर गांव से खबर आई है कि अटैक चुड़ैल आई है और वो आज रात को किसी की बलि देने वाली है। हमारी बेटी लाली को उठा ले गई है। कुंडेरा में कहा जागीरदार साहब। विक्रांत, किसे पूछ के यहां लाए हो? बोल मुखिया। सरकार, हम लोग थारे से मिलने थारी हवेली गया था पर आप वहां। कुंडेरा का जागीरदार अभी मरा नहीं। जो ऐसे टटपुंजे तांत्रिकों की जरूरत पड़ने लगी तुम लोगों को, समझे? आपके गांव में
एक डायन है। बकवास बनकर तांत्रिक, तो जैसे ढोंगियों का धंधा इन गवारों के अंधविश्वास पर चलता होगा, मुझ पर नहीं। कोई डायन वायन नहीं है तांत्रिक ना। पर हजूर, हमार बेटी उठाए गिरे होंगे बेवकूफ, उसे लाना जागीरदार का काम है, समझा? सुन लिया तांत्रिक, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहां पर, और जरूरत होगी तो बुला लेंगे। निकल। खमागणी हुकुम। मुझे माफ करो पंडित जी, इस गांव में जागीरदार विक्रम सिंह है, उसके बिना पत्तों भी नहीं हिले हैं। जागीरदार को भूल जाओ, मुझे ये बताओ चेतावनी खंडर का कोई दूसरा रास्ता है क्या? महाराज, मेरी बेटी को बचा लेना। आप चिंता मत करिए, अब आप लोग यहीं रुकिए, मुझे अंदर अकेले जाना होगा। बचाने आया हूं। फुट डायन कहाँ है? अब वो लकड़ियां लेने गई है। देखो, तुम्हें यहां बहुत खतरा है, तुम यहां से चली जाओ। तुम्हारे बापू खंडर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। और आप? मुझे अभी बहुत काम है, तुम चलो। क्या कर रही हो तुम? मैं आपके साथ साथ चलूंगी, आपकी
मदद करने के लिए। पागल मत बनो, एक डायन से लड़ना आसान नहीं है। जाओ यहाँ से। वो मुझे दो। अब तू कहीं नहीं जा सकती डायन, बता वो लड़की कहाँ है? लेकिन वो जिंदा है, जिंदा है। मगर तू अब जिंदा नहीं रहेगी डायन। मुझे मारा क्यों नहीं? शायद उसी वजह से जिस वजह से तुम मुझे नहीं मार पाई। वैसे भी करुणा में जो शक्ति है वो क्रोध में नहीं। मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, ये सब मुझसे करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है तुमसे सब कुछ? चलिए मुखिया जी, मुझे वापस छोड़ दीजिए। नहीं नहीं पंडित जी, आपको पहचानने में, आपको परखने में थोड़ी देरी होगी मुझसे। प्रायश्चित का बस एक मौका दीजिए। मौका? हाँ, यही पास में मेरा गरीब खाना है। आओ भगत का, सेवा का एक मौका दीजिए मुझे। करुणा में जो शक्ति है वो क्रोध में कहाँ? ठीक है, मगर मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा देर लगेगी भी नहीं पंडित जी। वाइका! विक्रांत, ये उस तांत्रिक ने, यानी कि वो जानता है तू क्या है, वो विक्रांत, विक्रांत मुझे माफ कर दो। उसने तुझे छूकर अपनी मौत को छुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शैतानों का बादशाह जानता तूने किस नाक के पिटारे में हाथ डाला है। कल सूरज उगते ही तू एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मरेगा। तीन तृतीय
तो इसे आप अपना गरीब खाना कहते हैं। काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं जागीरदार साहब। तो फिर मजाक बंद कर लेते हैं। सामने कुछ नहीं है तांत्रिक। रुको, कहां ले जा रही हो मुझे? मुझे उस राक्षस को मारना है। आप विक्रांत को नहीं जानते, वो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मैं विक्रांत एक तृतीया है। तृतीया? दानवों के तीन रूप होते हैं, प्रेत यानी मुर्दा आत्माएं, पिशाच जो जिंदा इंसान होते हैं, लेकिन इंसानों का खून पीकर ही जीते हैं। और
तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम और विक्रांत तो मिलकर मुझे जान से भी मार सकते थे। करुणा में जो शक्ति है वो क्रोध में कहां, पहले नहीं समझती थी, अब समझने लगी हूं। मगर जो कुछ ये हुआ उसके बाद विक्रांत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और तुम वापस कुंडेरा भी नहीं लौट पाओगी और ना ही आप अपने गांव। उसके भक्षक वहां भी पहुंच जाएंगे। मेरा यंत्र भी टूट गया। उसके टूटने के बाद अब मेरी शक्तियां सिर्फ आधी रह गई हैं। अब मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। एक नई शुरुआत तो मुझे भी मिली है। अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करती, मैं उसका पता नहीं बता सकती।
लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही अम्मा, एक डायन होकर इतने महीनों तक वो अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर रही है? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो अम्मा? यही कि वो हस्तांतरित के साथ माइका मेरी है, वो मेरा अहंकार है और जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती तब तक ये जख्म मुझे अपने टूटे अहंकार की याद दिलाता रहेगा। वाइका, वाइका! जिंकिया, बुरी बात, चलो सो जाओ। फिर से सुनाओ ना माँ। अरे पिछले 8 साल से यही लोरी सुना रही हूँ मैं तुम्हें, ये कोई लोरी सुनने की उम्र है? अच्छा तो कोई श्लोक सुना दो। अच्छा पंडित का बेटा, पंडित सुनो, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पसारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। शाबाश है जिंके बेटे, शाबाश। इतने अच्छे श्लोक तुम्हें सिखाए किसने? मेरी माँ ने। अच्छा और इतना सारा तुम याद कैसे कर लेते हो? क्योंकि मैं भूलता नहीं मास्टर जी। अजय क्या बेटे, मैंने तो तुम्हें इतना नहीं पढ़ाया था, तुमने तो उसके आगे के 4 पाठ के उत्तर लिख दिए और वो भी बिना सीखे। पापा। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम मास्टर जी, कैसी चल रही है इसकी पढ़ाई? चल रही है, इतनी तेजी से दौड़ रही है कि ये तो मुझे थका देगा। अजंक्य तो अपने आप में ही गुरु है पंडित जी, अब इसे शिक्षक की नहीं मार्गदर्शक की जरूरत है पंडित जी। जी क्यों नहीं आप इसे कुंदेरा के पास महाविद्यालय में भर्ती करवा दे? नहीं मास्टर जी, मैं चाहता हूं कि यहीं पढ़े बाकी बच्चों के साथ। लेकिन पंडित जी ये बच्चा आम नहीं है, भिन्न है दूसरे बच्चों से। मैं यही नहीं चाहता मास्टर जी कि ये औरों से अलग होके किसी की नजर में आए। बस ये समझ लीजिए कि बुरी नजर से डरता हूं, बाकी तो जो महादेव की इच्छा। चलता हूं। जल्दी मुंह हाथ धो लो, पापा आते ही होंगे।
याद है ना, आज तुम्हारे नए रेसिंग के जूते आने वाले हैं। पापा! अच्छा क्या? आखिर तूने अपनी माया दिखाई थी भाई का। वाहिका, चिंता मत करो, इतने से हादसे से वो हम तक नहीं पहुंच सकता। उसकी शक्तियां बहुत चौकन्नी हैं। वाहिका, कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। देखो, वो हमारी पुरानी जिंदगी थी, उस जिंदगी को हम अब भूल चुके हैं, और महादेव की इच्छा रही तो अब वो जिंदगी भी हमें भूल चुकी है। तो मेरी जिंदगी बस आप दोनों हो, और ये नई जिंदगी। क्या? शक्ति है वो करुणा में नहीं। वैसे भी अब तेरे लिए यहां कुछ नहीं बचा है। रेस में दौड़ेगा इन पैरों के साथ। मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें मेरा वास्ता। वैसे भी एक मरे हुए को क्या मारना। अजय क्या, मेरी मां को छोड़ दो। अजय क्या, मेरी मां को छोड़ दो।